नमस्कार आदाब, आपको देखिए न्यूज़ में आपका स्वागत है। डायबिटीज़ के बारे में ही कुछ कॉम्प्लिकेशन है, इन सब विषय पर आज हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से। आपका स्वागत है सर, बताइए। आपके द्वारा आंखों देखी न्यूज़ के द्वारा जो पहल हो रहा है, इससे आम लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसके थ्रू आप ये जान पाएंगे कि डायबिटीज़ के मरीज किस तरह का उपचार ले रहे हैं, जिससे कि वो परमानेंटली लाइलाज है। ज़्यादातर डायबिटीज़ का मरीज यही कहता है कि हम कभी ठीक ही नहीं हो सकते, और इसके बाद उसके अंधापन, किडनी फेल, इसके लिए इलाज के लिए तो आप जाते ही हैं। ऐसा नहीं है कि बिना इलाज का आप घर में संतोष करके बैठ जाते हैं। यदि किसी भी मरीज को डायबिटीज़ हो गया है तो वो संतोष करके घर में नहीं बैठ सकता, वो किडनी फेल होगा, उसका अंधापन आएगा, उसको बहुत तरह की समस्याएं आएंगी, उसके चक्कर में वो दिल्ली जाएगा, बॉम्बे जाएगा, मद्रास जाएगा, पूरे दुनिया जाएगा, जमीन जाल बेच के उसका अंत हो जाता है। लेकिन यदि ये बात संभव नहीं है कि आपका वो कोई सिंपल बीमारी नहीं है कि आप ये कह लें कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, तो हम क्या है इलाज कराएं। बहुत सारे लोग ये डायबिटीज़ के शुरुआती दौर में ये कहते हैं कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, तो हम इलाज क्यों कराएं, और वो घर में बैठे रहते हैं जब तक उसका किडनी फेल नहीं होता है। ये बहुत आम बात है। तो जबकि मेटाबॉलिक चिकित्सा में डायबिटीज़ का फुल प्रूफ ट्रीटमेंट है, जैसे कि इन्होंने कहा कि रेटिनोपैथी, अंधा हो जाता है आदमी, तो अंधा हो जाता है तो रेटिना में प्रॉब्लम आता है, आँख के अंदर रेटिना होता है। तो इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाना चाहते हैं, ये आँख का मॉडल है जो कि कम से कम 100-200 गुना बड़ा है। रेटिनोपैथी में ये जो देख रहे हैं आँख का मॉडल, इसके अंदर जो ये आर्टरी देख रहे हैं, यही रेटिना है। ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, ये बहुत मतलब 100-200 गुना बड़ा इमेज है ये आँख का। आँख आप देख रहे हैं कितना छोटा होता है, इससे कितना गुना, शायद 500 गुना बड़ा होगा ये। तो ये जो इतना छोटा छोटा आर्टरी है, इसके अंदर में यदि कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप जब आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलेगा कि इसके अंदर हम नीडल डाल के आप इसको ये करेंगे, उस आर्टरी को ब्लॉक करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो वो डॉक्टर साहब जो नीडल डालेंगे, तो इससे और भी परेशानी बढ़ सकती है या घट सकती है? नहीं, देखिए ना, जैसे कि ये नीडल डालने के लिए यहाँ से छेद होगा, फिर आँख के अंदर छेद होगा सामने से, वो छेद करते हुए, इस सभी को छेद करते हुए वो नीडल जाएगा यहाँ, और यहाँ पर कोई छोटा सा आर्टरी होगा जो नीडल के इतना ही मोटा होगा, उसको छेद करके उसको ब्लॉक करने के लिए इतना जो प्रोसीजर होगा, उसमें 90% केस में वो सफल नहीं होता है। 90 प्लस यहाँ हजारों आर्टरी है, आप देखिए हजारों आर्टरी है, इस हजारों आर्टरी में सभी में प्रॉब्लम है। वहाँ किस किस में वो नीडल डालेंगे, उसमें वो उसमें वो किस किस को ब्लॉक करेगा? अब यदि सबको ब्लॉक ही कर देगा तो असंभव बात। ये इस तरह से सर्जरी करके हजारों नीडल इधर से घुसा के, ये तो खाली नीडल को बंद करने में ये सब ऑर्गन खत्म होगा। ये लेन, ये देखिए, ये कॉर्निया है, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें ये भी, हाँ सब में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जब नीडल इसमें जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी प्रॉब्लम होना ही होना सब में। एक बीमारी को ठीक करने के चक्कर में दूसरी बीमारी हम ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट इसका बनाया है, लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, बाहर से लेजर किरण डालते हैं, लेजर किरण डाल के इस आर्टरी को डैमेज किया जाता है। तो भाई कितनी आर्टरी को ब्लॉक करेगा वो? तो हजारों आर्टरी, वहाँ हजारों, और लेजर जहाँ से जाएगा, जिस रास्ते से लेजर किरण जाएगा उस रास्ते को भी डैमेज करेगा, और फिर अंत में वहाँ जाएगा। लेजर थोड़ा कम डैमेज करेगा, लेकिन वो भी डैमेज करेगा। और प्लस इस तरह से जो प्रोसीजर किया जाता है, इसमें सफलता, इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है उस तरह से। मेटाबॉलिक उपचार में क्या करते हैं कि बॉडी के रीजेनरेशन पावर को बढ़ाया जाता है। डायबिटीज में क्या होता है, रीजेनरेशन पावर घट जाती है, वो रीजेनरेशन पावर जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक शरीर हजारों आर्टरी को धीरे धीरे रिपेयर करेगा। मैं ये नहीं कहता कि सब अंधा आदमी चलने लगेगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो आदमी अंधा होने के प्रोसेस में है, जो आदमी का 50% अंधापन है, जिसका 90% अंधापन है, वो तो वापस नॉर्मल हो सकता है। अच्छा, अब तक कितने पेशेंट का हो चुका? हम अभी तक मेरे पास इस रेटिनोपैथी का लगभग 20-25 मरीज हम देखे हैं आज। 20-25 मरीज का हो चुका है? 20-25 मरीज में एक कंप्लीट ब्लाइंड मरीज थी, वो ठीक हो गई, लेकिन बाकी लोग का किसी का 30% ब्लाइंडनेस है, किसी का 40% है, तो उसमें रिकवर हुआ है। ये प्रायर डायबिटीज का मरीज को दिखना कम जब हो जाता है तो वो बहुत बेचैन हो जाते हैं। अब बेचैन होकर वो जाता है आँख के डॉक्टर के पास,
या फिजिशियन के पास। जाहिर बात है कि पूरे शरीर का सबसे कीमती चीज है, कीमती चीज आंख, वो वहां जाता है। वहां पर क्या है कि उसके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके पास एक ही ट्रीटमेंट है कि आर्टरी में प्रॉब्लम है, इसको ब्लॉक कर दो। जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो गॉल ब्लैडर काट के निकाल दिया जाता है, एकदम एग्जैक्टली वहां भी वही होता है। इस आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हो गया, इसको आर्टरी को ही ब्लॉक कर दो तो उसके आगे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहाँ एक आर्टरी नहीं है, हजारों आर्टरी में प्रॉब्लम है, किस किस को ब्लॉक करेगा। आज जिसको भी डायबिटीज है तो वो प्रायः मरीज वो इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन जो नहीं भी लेते हैं वो ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन, सीताग्लिबिन और सब दवाई लेते हैं एलोपैथिक, वो सभी दवाई उसके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाता है। और इंसुलिन की मात्रा जब बॉडी में बढ़ती है तो वो बॉडी के सेल्स में, मान लीजिए ये सब सेल्स है बॉडी में, मान लीजिए ये सब इसके अंदर, मान लीजिए इतना सारा सेल्स है, जितना भी बॉडी में सेल है, कोई भी टिश्यू है उसके अंदर सेल्स है, इवन आँख के अंदर जो ये देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है उसमें लाखों करोड़ों सेल्स है, सेल्स मतलब कोशिका। इस कोशिका में ग्लूकोज अंदर में खींचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो जैसे ही ग्लूकोज खींचता है उसका साइज बड़ा हो जाता है, सेल के अंदर से ग्लूकोज जाएगा तो साइज बड़ा होगा। जब ये साइज बड़ा होता है सेल का तो बाकी स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर देता है, जैसे आर्टरी को कंप्रेस कर देता है, उससे ब्लड सप्लाई वहां घट जाता है। जब ब्लड सप्लाई घटता है तो धीरे धीरे ब्लड सप्लाई के चक्कर में कुछ आर्टरी में फ्रैक्चर हो जाता है, रप्चर हो जाता है, वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग शुरू होने से पूरा आंख जो लाल हो जाता है, बहुत आदमी का बाहर से भी दिखता है। तो ये बीमारी जो है डिजीज के ट्रीटमेंट में मिस ट्रीटमेंट से होता है, गलत ट्रीटमेंट की वजह से होता है। 90% रेटिनोपैथी का मरीज वो इंसुलिन का एक्सेस डोज से होता है, डायबिटीज के एक्सेसिव डोज से होता है, जो डायबिटीज का दवा वो खा रहा है उसका मिसयूज से होता है। ये बीमारी इंसुलिन से होता है, इंसुलिन रिलेटेड डिजीज है ये। तो ज़्यादा जब इंसुलिन वो लेता है इंसुलिन इंजेक्शन के रूप में, फिर भी उसका शुगर बढ़ा रहता है, लेकिन शुगर तो बढ़ा हुआ है लेकिन एक्सेस इंसुलिन की वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, हर एक सेल्स में, सेल के अंदर शुगर भर जाता है। तो कोई भी एक्सेस शुगर बॉडी में जमा हो जाएगा ऑर्गन सब में, तो आपका वो बॉडी खत्म हो जाएगा ऑर्गन धीरे धीरे, यही वजह है रेटिनोपैथी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप लोगों ने देखा कि डायबिटीज़ के कारण जो रेटिनोपैथी अंधापन कम दिखाई देता है उसका कारण क्या है। आगे की वीडियो को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आपको देखिए न्यूज़। मोहम्मद हफीज़ पूर्णिया, नमस्कार।